तो ऊपर आसमान और तलाने धरती गाड़ी ताए जी रोड मार्ग तता टूटती बोह गई हो आपके बोह गई हो आपके जाबर सिंह गई हो रो यारो भागड़ किया जो हम के मायने एक श्री माधुपुराली और बनाई जी पापड़ी सी रोड गेरी जे जी का मालूम कर जाए जी सीधा आऊं जी सारे थोते लुभावने बातें हैं ये तो दोनों साठ गांठ कर मिले एक साल तू हजार एक साल में आ जाऊं कहे जनता ने ले हजार वोट मान दिया था के राम राम जी राम राम साहब तो अब ये बार हमने राजस्थान के मान चुनाव नजदीक आएगा तो कौन को कहीं समीकरण बन रहे बीजेपी या कांग्रेस बीजेपी को कहीं कारण कारण तो थोता वादा करे से कांग्रेस काम कुछ कराते नहीं है कहीं कहीं गिरी थोता वादा नहीं नहीं लिसाड़े गांव सु या सीधी से बात है लहर साल की आ लहर सिर्फ जयपुर जारी थमली सारे थोते हैं लुभावने बातें हैं जो है इसकी मसादरी जो लुभावनी जी सब लुभावने हैं क्या क्या पड़ा है उन्हें जनता के पैसे के दुरुपयोग कर रहे हैं और क्या है जनता का पैसा को दुरुपयोग तो अब की बार जहाँ सरकार था का मानसिक विचार सु कुन की कहीं आने जाए बीजेपी या कांग्रेस माहौल ज्यादा कुन को कहीं बन रहे का विचार सु तो माका एरिया का मान तो साहब बीजेपी को ही जब बीजेपी को जाए तो बीजेपी से टिकट कुंडा कहीं दे रहा जाए टिकट वाला तो भाई ऊपर ला जाने नहीं फिर भी उम्मीदवार तो सामने मार्केट में डोल बला का आजकल उम्मीदवार तो अरे तो प्रबल दावेदार तो बा जाबर सिंह है जाबर सिंह जी तो देला को ना जाबर जी अब वो तो ऊपर वाले का वो जाने कमेटी जाने साहब वो तो पहले भी जहाँ रिया से जाबर जी पहले भी रहेगा तो आपका कार्यकाल का मान विकास कार्य तो कराए जो तो बीस हाँ तो बीस आप दी लाख होंगी तो विकास कार्य का हिसाब से जनता का मान कत्ती का छवि जाए बीस आप दिला टिकट बन नहीं दिला तो भुगत लेला फिर और तो अगर बानन ने टिकट दिया तो भुगत ला फिर भुगत ला और आमने जहाँ वर्तमान विधायक जाए तो इका कार्यकाल में विकास कार्य तो कहीं रुई होता विकास कार्य क्या है इनको तो बीमार थे ना तो पब्लिक से जुड़ी नहीं पाए तो उनका उनका पुत्र बुलेंद सिंह शेखावत जो था वो तो उनकी कमान तो उसने संभाल रखी थी ना कमान संभाल रखी लेकिन एमएलए खुद एमएलए ही होता है पुत्र पुत्र ही होता है तो फिर भी विकास कार्य कुछ तो किया होगा ना हमारी पंचायत में तो कुछ हुआ नहीं सर पंचायत कौन सी था फुटाला जब फुटाला पंचायत में कहीं कौन कर अभी तो कुछ नहीं कोई रोड वगैरह कोई सी रोड भी नहीं कहीं कौन दिया तो बंद थे एक दो बारी बस मिल कौन गए भाई मान ना कोई मिलना खड़े तो बीमार रहता बीमार रहता ना कहीं तो वो छोरो तो छोई मांगो नहीं उनसे नहीं मिलना होगा नहीं मिलना होगा तो आया भी उनके तो वो चुनाव बाद में था काम में काम में तो एक आधी बार स्कूल में आए थे वादा भी किया था लोगों से भाई करवाएंगे कोई डंडे का काम है कोई रस्ते का काम है गहलोत जी वाली योजना का मान जी हिंदी मीडियम स्कूल ने अंग्रेजी का मान खरीदे तो आगे मान था काम भी आई गए पाती कोई नहीं सर नहीं नहीं आई हमारे गाँव नहीं और थे बताओ जी ताको कहीं विचार जे आपने विचार तो यह है कि सभी जगह कार्य अच्छे हो जाओ कांग्रेस के राज में जितना कार्य हो ना उतना कभी बीजेपी शासन में नहीं हुआ तो कार्य वो हो गए योजना की बात कर रहे थे योजना और सभी हुई हैं योजनाओं की भी अच्छी हुई हैं कार्य भी हुए हैं तो योजना कती कहीं कारगर थी जो बाहर चाल रही थी राशन वगैरह नहीं बढ़िया है ये बढ़िया जी हाँ जी तो अब की बार था कड़े साहब इनमें श्री माधोपुर विधानसभा का मान कौन कहीं आ रहे थे फिलहाल मैं तो कहूँ कांग्रेस ही रहेगी यहाँ कांग्रेस का मान कौन जो उम्मीदवार कोई चरो उम्मीदवार तो कोई नया ही आएगा नहीं हाँ नहीं तो क्यों सुना जा भाई विक्रम सिंह मुंडरू ये भी सुन पा विक्रम सिंह जी का है विक्रम सिंह जी का कौन है क्या हाँ जी भरपूर भरपूर चाहे मैं तो सुने ही देखो भाई जाना भी कौन है व्यक्तिगत रूप से मैं जाना भी कौन है विक्रम सिंह भरपूर है क्योंकि ये पहले भी विधायक रह चुके हैं कड़े सूर्य हटा जाए पहले जयपुर से जयपुर सूर्य हटा जाए हाँ जी नहीं रहे वो विधानसभा कैसी पड़े श्री माधोपुर श्री माधोपुर तो अब की बार क्या कहीं माहौल चाल रहे चुनाव को नजदीक आगा अब तो चुनाव माहौल तो देखो कौन टिकट मिल रही नहीं तो आमने जो फिर वर्तमान जो सीएम जो गहलोत जी कांग्रेस की सरकार तो वहाँ योजना कहीं कहीं रही योजना सफल से सारी सफल जी तो था नवी कोई एक आधी को फायदा मिल रही मान लो कौन मिला कोई फायदा तो राशन वगैरह तो लेते हैं नहीं कौन लाओ मैं लाओ तो एक गरीब आदमी के लिए बढ़िया चाहिए कौन योजना जो चला बढ़िया से तो अब की बार फिर जहाँ राजस्थान का मान सरकार कांग्रेस की बना ली बीजेपी की अब देखो ये हिसाब से देखो तो कांग्रेस बीजेपी को बराबर पार्ट उठाल बराबर पार्ट उठाल रहे वहां का मान आगे कौन सा निकल तो भजन कौन समझ आता अब भजन तो देखो बस जीवन टाइम मळे हो लो ध्यान टाइम मळ गया तो पहली चाल रे 4 मिनट ने टाइम तो पहली चाल जा सके अब बारिश वाली कौन है कम हो जाएगा बारिश बारिश वो भाग मान नहीं आ जाए
बालकनाथ आ रहे थे 2700 पहाड़ो बड़ी ने भी ज्यादा जा रहे थे अड़ी ने भी जा रहे थे तो बालकनाथ कहीं आ रहे थे कहीं समझाओ निगमन मुख्यमंत्री को दावेदार बन जाओ बीजेपी से हाँ तो आल दिन बीजेपी आ जाए तो मोदी फेक्ट के माड़ी वोट लेने लगे जो चेहरों सामने ले आएंगे चेहरों चालू हो गए चालू कर दिया के हो तो जना यूपी के जहाँ जोगाड़ बैठा होला कहते बीजेपी को बीजेपी को जोगाड़ बैठ जाए बैठ जाए वो तो तेपी ठावला जना ही बैठलो तो बालकनाथ जी को बैठे लोग और कोई बालकनाथ जी आवलो जना ही बैठलो नहीं तो नहीं कौन बैठे नहीं मुश्किल से काम मुश्किल से हां 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 अब वाला कौन की गाय सरकार बना रहे जो राजस्थान के माने बीजेपी या कांग्रेस अब आ कौन बैठो खा खा सका तो आमने गहलोत जी की योजना कहीं कहीं से जो चादरी से पेंशन वगैरह वाली दवाई वाली अच्छा बढ़िया है तो ये भी ले रहे जो के फायदा दो चार योजना को पेंशन मिले जवान जो और राशन पानी कहीं कहीं मिल रहे जो मिल रहे जो 5 किलो मिल रहे जो और वो कि ट्विटर थे लो आयो आज का वो भी मिल गया वो भी मिल गया वो तो वो 5 रुपए छोरो मन ने आज एडिटिंग करे को ना तो हमने श्री माधोपुर विधानसभा का मान वर्तमान विधायक से कांग्रेस को तो विकास कार्य कहीं कहीं करवायो विकास तो बढ़िया करा कहीं कहीं करवा दियो सांगाणी मां खाली रोड बनवा देने कड़े सुकड़े बनवाई यार रोड अब तो काल तो रोड को कर गए आते थे दिल्ली की केंद्र की जाते हां केंद्र की जाए हां आज जो आज जीतगढ़ से श्री माधोपुर हां और फिर काल खड़े कहीं कर को आखे जरो जैसे अच्छा आखे जरो ले ली आपको टेढ़ी रोड से जो तो आप चालू लो यो काम अब चालू तो काल को उद्घाटन तो करगा अच्छा उद्घाटन ही कर जाए हां तो आचार से ही तैला आग बड़े कहीं उद्घाटन तो बाठो तो लगा को चल रहा या ना चल अच्छा बाठो लगा को हां जणा तो बोलो फिर काम बाठो लगा को अच्छा राम राम तो हां का हिसाब तो कौन की कहीं सरकार बन रही है अब सरकार को तो आज ही कहीं बता दे हम फिर भी जहाँ विकास कार्य योजना कांग्रेस की बढ़िया है कांग्रेस की बढ़िया है तो फिर कौन आनी चाहिए तो भी साहब कांग्रेस आनी चाहिए कांग्रेस तो आप अपना श्री माधोपुर विधानसभा का मान उम्मीदवार कौन कहीं जब गड़ा अब तो हाल रहा है टिकट तो फाइनल हुई है टिकट तो भाई कुन हुई लेकिन नहीं हो चारो या कांग्रेस ही वोट है सिंबल ने देला सिंबल ने देला व्यक्ति भी चेचारा वाला कोई ध्यान कोई ध्यान तो कुन ना कहीं में थोड़ा सुन रहा था वो विक्रम सिंह मुंडरू एक देखो भाई माहौल तो है कि अब तो दो की मा दो ही से दो कौन से एक जहाबर सिंह कर रहा है बीजेपी से एक कांग्रेस दीपेंद्र सिंह जी से ये तो दोनों साठ गांठ कर मिले एक साल तो आ जा एक साल में आ जाऊँ अच्छा 5 साल एक बस आंगू सिस्टम ही है जगह एक साल एक 5 साल तूर 5 साल में अच्छा और दिख जाए ली जनता हो रही परेशान जनता जनता कहीं हो रही परेशान कहीं कारण से हो रही अब गए 1 रुपया वो काम को नहीं धान भावता हूँ मैं रोड सारी फुटेड़ी पड़ी जाए वहां का तो और जयपुर जिला में जहाँ देखो अठे मून रूसु सिक्कर जिलो लेना जटा ती रोड फूट रही आग टकाटक से साढ़े सो गोटा ती रोड फूट रही आग नहीं बन रही और आंको तो आंको सिस्टम है साहब अब का तो साहब दीपेंद्र जी बीमार होगा जो तो कोई ध्यान ही कौन दिया खटीना आया ही होना कहीं आग ना कई बार चल गया वहां गाँव में 4-5 केस होगा जी जो गया था कहे जनता ने लिया उधार वोट मान दिया था गया अच्छा सीधी आंखे से बच्ची अच्छा आम जनता बागे कन जाए तो यानी कि आम जनता बागे कन जाए तो बाकी है कि मठाधीश जो है जे जमा का बांध ले रहा हो बांध ले रहा हो बे बतावला भाई हाँ थे मा के साथ छा कोने जणा ताऊ काम कराओ नहीं कोन कराओ बे बतावला से भाई वोट दिया सो कुन हाँ, दिया आई से और काई जब भाई खेला जणा तो ताऊ काम होलो नहीं कोन नहीं बस रोता डोलो रोता ही डोलो भाई साहब बहुत हालत खराब है तो जमाल खराब है बागा छके कोई दो चार एजेंट ता के सामने डे गांव का मानियान का मा गांव में से हर गांव में से मा गांव में से 4-5 एजेंट अच्छा एजेंट छे बाने एजेंट के ताई तो बिदक बागे छे जब बिदक बागे हां तो अब गड़ा किया कहीं फेरा दोन्या ने दिलो तो कुनसन कहीं दिलो फेर अब का तो देखो भाई साहब दोन्या ने दरी देखो ना कोई जनता और बीड करवा तो घणा ही कर लियो बीड करवा तो वोट आओ भी कोने और अब का तो इन माधुपुरा तहसील में तो एक ही आदमी लाग रहे ढंगो जो घूम रहे भी जाए और आदमी सुन रहे भी जाए बुलाओ जा ठहराओ भी जाए कि अब आ रही ताजा ही मैं नागपुर पहली कोई मामलो हो जाना तुरंत शाम सो दी जन ठहरा मऊ का बे आया को आदमी जाए कि तुरंत आज हिलो जब लाए सुबह खटे ही हो और आया को ना कि वो कुण के जाए वो कुण के जाए सीधो सीधो जातिवाद दरी को ना सीधो फोन करो कि हाँ भाई तुरंत फोन आया को ना कि हाँ गाँव को कौन से यार बिना फोन कर ला कौन करे दूसरा को सीधो तुरंत आओ जाए वहां गाँव में फोन करता है आओला हाँ जीरो जाए खेता ही तुरंत आओ जाए
तो फिर थे पहली भी यहाँ कोई चुनता जो खेता या हुए तो फिर पहली क्या बावड़ा पहली तो बावड़ा यार एगा की माँ गरखा डोकरार गांव का ये माहौल अंग बना दा जाए और भाई और अब कदो लाज राख लीजियो वो दीपेंद्र जी आओ ला जब ब्याद आयला तो कहते ए बीजेपी आ जी बागों देला मैं था कोई जूं था पड़ोसी जूं और जाबर सिंह जी का कही है जैन से जाबर सिंह जी का भी जाए जो बे कहते भाई और भी नहीं देने जाबर सिंह ला पा कदी भी बुला लिया कदी भी काम करा दिया बे चक्राम फसेड़ा था देखो हाँ जड़ा आपका तो मैं तो ठान ली कि श्याम चौधरी नहीं बोल दुआना से देना को दुआना से ज्यादा तो मैं तो दुआबा की बात है दुआओ ला ज्यादा तो और दयाला तो सही पर दुआर जिताबा की पूरी पूरी कोशिश रखा जिताबा की पूरी पूरी 100 और चांस भी आपका बहुत बढ़िया माहौल है श्याम चौधरी को और मान लियो पूरा तहसील में घुमाना बाहर तो आज यहाँ को बाहर आदमी को दिख रहे कोई भी आज यहाँ को युवा कोई दिख रहे को कदे आंका अब डर दोनों का डर वहा हो रही है कि यार आपका तो मामलो डीलो पड़ जो कदे सचिन पायलट ने बुलाओ जे कदे कदे वो सुंदरा ने बुलाओ जे भाई माँ का एरिया मार मीटिंग करो जो माँ को पलड़ो बारियो आगा पिल्लर तो दूज है पिल्लर दूज का हाँ पिल्लर तो पूरा दूज है अब देखो का हो जाए तो श्याम चौधरी भी कोई डोकरो जे छोरो जे अजय तो नौजवान ही मानो डोकरा भी मानो सबको जो अगर डोकरो मिल जाए तो बीका बीस आप से बात करे और नौजवान के हिसाब से घमंडर मेयर आया दरी होने 1% सीधा आदमी जाए और अब मां गांव आया आने एक जड़ो खियो भी कराया आ बात से ऐसा किया कि देखो ताऊ जी के थे अब बानत देख लिया अब मना देखो ला मेरी सरकार आउली जना मैं काम कर सकू और छह मेरी आत्मा जो भाई थे ले चलो जटे चलता हूँ सीधी आएगी हाँ तैयार बैठा अब तो कहते मैं एक दत्तो बन सका दत्तो मैं करूंगा राम राम जी राम राम जी का ही नाम अंकित शेखावत अंकित शेखावत तो शेखावत जी बताओ आपने कहीं कहीं माहौल बन रहे हो श्री माधोपुर विधानसभा में चुनाव अब की बार तो साफ सीधी से बात है पूरा श्री माधोपुर की एक ही पुकार है श्याम चौधरी अब की बार श्याम चौधरी अब की बार तो यार थे शेखावत चो और शेखावत था जो पहली विधायक कई बार रह चुके और वर्तमान के मानव जो तो फिर थे चौधरी के संग कहीं लागा कहीं देखो जातिवादी कभी करी को नहीं है ना मतलब की राजपूत वोटर देख आप देखा आदमी को कैंडिडेट जब भी आप याद करा श्याम चौधरी जी ने आधी रात ने आया है पहला गांव के अंदर खेल मैदान को नहीं है भाई साहब खुद के एक्सपेंस उसको कर और पूरा खेल मैदान बनाया युवाओं के लिए आज बड़े सारा मतलब सब सब जाति का लोग खेले बटे आज भी खेले जाए तैयारी व्यारी भी कर बात बात होला हां सब आर्मी की तैयारी करे कोई एयरफोर्स की तैयारी करे कोई मैच खेले जाए मतलब बहुत अच्छा मौका दिया जाए अच्छा अच्छा मौका दिया जाए और भाई साहब की अब की बार सीधी सी लहर है श्याम चौधरी की अब की बार श्री माधोपुर विधान श्री माधोपुर में तो ये थे ही दुला गए मान लो नहीं नहीं लिसाड़िया गांव सु या सीधी सी बात है लहर साल की लहर सिर्फ जयपुर जारी थमली अच्छा चाल गई हां लहर साल की और एडी चोटी रो जोर लगा दे वहाँ श्याम चौधरी ने अब की बार विधानसभा में भेजा विधानसभा में जीतर भेजा कम से कम 50,000 वोटा सू श्री माधोपुर में एक ही लहर टिकट वालों का सूत्र लो बताओ जहाँ टिकट न मिले टिकट सु मतलब को नहीं माने कैंडिडेट सु मतलब है मानो हाँ कैंडिडेट सु मतलब अगर टिकट न दे मान लियो बीजेपी या कांग्रेस कोई भी तो फिर निर्दलीय ठोको लगे हाँ निर्दलीय टाल में 100% अब की बात श्याम चौधरी जी यदि निर्दलीय खड़ा हो जाए तो बाकी 50,000 वोटा सो आराम से जीत है और कोई रोक बाड़ो को नहीं हाँ हाँ, कोई टक्कर में ही गुनी अब की बार तो सब बोखलाट हो गया बार पायलट ने बुलाओ कोई भी ने बुला रहे क्यों सबके मन के अंदर बोखलाट चाल रही है बार श्याम चौधरी ने न जीत जाओ चुनाव जनाई पायलट ने बुलाया जनाई ने बुलाया सीधे सो रीजन वही है रीजन वही है खैर बोलो खैर रुझान दिखा हो जाए मैदान के माइनस पे कहीं कहीं चाल रही है और जहाँ था जहाँ का भी युवा ही अगर जागरूक होगा तो फिर कोई युवा ने रोक भी सके नहीं श्याम चौधरी जी की लहर सबसे बड़े चाल रही है आज के टाइम में जब जब भी समाज या कोई अदर जाति का 36 कौम के जाति ने साथ लेकर चाले हमेशा सो चाय वाय बनाओ जो थोड़ी चुनाव के कहीं कहीं चाल रही माहौल था तो ज्यादा चाय पे बड़ा बात करता है वही जेगा बंद दो रोजना का 200-300 आदमी बैठे से चाय पावा जावा ने बाता भी सुना जावा की कहीं चाल रही माहौल कहीं चाल रही जी टाइम तो बहुत तगड़ो चाल रही है तगड़ो कहीं साल को तो ऊपर आसमान और तला ने धरती गाड़ी ताए जे रोड मार के तता टूटती बोह गयो अब के बोह गयो अब के जाबर सिंह गयो रो यारो भाग रियो किया जो तो दूचा का मान के बा करे जब गाड़ी जी दूचा का मान आ एक श्री माधोपुर वाली और बनाई जे पापड़ी सी रोड गेरी जे जी का मालो जाए जी सीधा जाए जी सीधा आऊ जी आज बड़े जा रहे जे आज बड़े जा रहे जे रो बड़े कहीं छे तो चाहे कताई भागो भाग वासु दौड़ वासु पब्लिक वोट देखो ना वोट दे ली टिकाऊ जड़ाऊ मजबूत कनी टेडो लोग भी नहीं
अच्छा जो धरती से जुड़ रहे जो धरती से जुड़ रहे जो पब्लिक की सुन रहे थे धरती माला पैदल चाल रहे धीरे पैदल चाल रहे धीरे धीरे चाल रहे पब्लिक में आवाज है रात दिन डटर मुकाबलो कर रहे थे समस्या सुन रहे थे कोई युवा है बूढ़ा है और कोई है कोई आ रही बीमारी है या किसी में दांदा पड़ रहा है उसी की सुनने वाला एक ही आदमी है यहाँ पे सिर्फ श्याम चौधरी है। श्याम चौधरी के अलावा इतना कोई सक्रिय नेता नहीं है। अच्छा 12 जवान टैंक मारे श्याम चौधरी के अलावा। श्याम चौधरी के अलावा इसकी टक्कर में आने वाला कोई नेता है नहीं। कार्यकाल विकास कार्य अब 5 साल में तो देखो साहब की कांकरी भी लगाई कहीं कारण तो अब कारण तो कहीं से अभी चुनाव आ रहा जब काल आज शिलान्यास कर गया काल कौन सी रोड को जिसको मुंड रुसू खेदरोली जाए जी अब आज शिलान्यास कर रहे जी 1-2 दिन के मायने आचार संहिता लाग रही है। बिल्कुल लाग रही है। तो बताओ फिर काम हो लोगे तो 4 साल 4.5 साल पूरी होगी 4.5 साल के मायने पहले 3 साल पहले ही करवा था तो दीपेंद्र जी को नाम कौन तो चुनाव बाद में चुनाव बाद में 12 महीना बाद में क्योंकि फिर बड़ी ना बजट आलो बड़ी आज जरूरी थोड़ी चाहिए की चुनाव के मायने दीपेंद्र जी जीते ही आज जरूरी थोड़ी तो बाठा लगा बस कोई काम लगा जीत जाए नहीं तो बाठा लगा बस जीत जाएंगे काम करा बस जीते कोई भी आदमी हो जाए नहीं वो तो समझ लिया भाई पब्लिक के ये मानो पब्लिक के मायने 4 साल धनी आया ही को ना और आज बाटो लगा रही पब्लिक मूर्ख से गेतरी भाई बे नेता से तो नेता कौन बनाओ जो पब्लिक बनाओ फिर पब्लिक से बड़ा सीखे नहीं पब्लिक से बड़ा कौन फिर पब्लिक हर चीज ने भापती है अकि आज ही क्यों लगा रहा जे काल कट गया जा काल क्यों सुता जा पब्लिक रेड़ा खारिज है धक्का खारिज है अब कोई जिया मान लो बीमार हो गो आज ही अचानक बीमार हो गो जी हार्ट की बीमारी है और वो इन्हें अड़े तो हॉस्पिटल आत को ना चोमो पहले डटा को ना हटाओ जाओ या जयपुर जाओ माने रेफर कर दिया अब कड़ी कर जाए कोई हेलीकॉप्टर तो कोई नात को ना अब ए तो दोनों परिवार सक्षम जे दीपेंद्र जी जाबर जी है तो कुछ भी कर ली कड़ी कर भी चल जाए अब मेरे कने साइकिल ही को ना मैं तो किराए की गाड़ी मंगाऊ पहली बात तो अरोड़ा ने देकर वो नट जाए भाई मैं तो कौन जाऊं यार मेरा बस की बात को ना क्योंकि खड़ा पड़िया जी वो जताओ किराए को ना जताओ सड़क नुकसान हो जाए पहली अब वो आदमी हार्ट अटैक आलो जब वो नहीं टाइम वाला पूछो भी तो जान जाए कौन जाए बेचारा तो आज रोड़ा का ही काम दे बताओ 3 साल पहले करा तो रोड सही रहती बिल्कुल आम जनता तो माँ के तो सिर्फ एक ही चीज है साहब ई टाइम के मायने ई लहर के मायने सिर्फ श्याम चौधरी जनता का दिमाग में छारे जे अच्छो काम भी कराओ लो अच्छो वर्कर भी रह लो और अच्छो जनता के मायने टिके भी लो अब इन 10-12 साल होगी रगड़ा खाता रगड़ा खारिज खूब रगड़ा खारिज टिकट मिले ही टिकट तो कोशिश तो कर रही है टिकट तानी अगर फिर भी टिकट नहीं मिले तो टिकट की काई जरूरत है ठप्पो मा का हाथ में जाए मा खनजे वोट में चला टिकट वोट दे लीगी नहीं नहीं जनता ही दे जाए वोट जनता से तो मोदी नरेंद्र मोदी पीएम बना है साहब या खुद को खुद ही बन गो नहीं 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 जनता से तो पब्लिक से बढ़कर कोई काम नहीं है साहब पब्लिक ही है जी को पब्लिक का हाथ में है वोट देना और सिमल लाना और जिताना और ये पब्लिक ही जिताएगी अब के बार सिर्फ श्याम चौधरी है साहब यही लहर चल रही है जाए चाल रही कहीं से भी आप कर लो ना सर्वे करो ना सिर्फ श्याम चौधरी का नाम कर रहे हैं आते हैं ना बोलते हैं हमारे को तो अधिकतर ये बोलते हैं कि कोई नहीं हो चाहिए काबर से पूछ लो जवान से पूछ लो बूढ़ा से पूछ लो सबको सिर्फ श्याम चौधरी जहाँ फोन कर दिया ना अभी फोन करो ना उसको अभी तुरंत हाजिर हो जाएगा वो कहीं पे भी हो कैसा भी काम छोड़ के आएगा हाँ भाई क्या समस्या है बताओ कोई समस्या हो जा जाना आ जाए जितना बंद पड़े उससे वो तो कर अब उसकी गवर्नमेंट उसकी गवर्नमेंट तो है नहीं भाई जेब में से निकाल के दे दे फिर भी अधिकारी के पास जाता है बिल्कुल लड़ता है अभी इस रोड का मुद्दा उठाया था जितनी भी श्री माधोपुर क्षेत्र में उसका सारा भ्रमण करके आया देख के आया पहले तो की कैसी क्या माहौल है ये पब्लिक झूठ बोलती है एक सच खरी है उसने खुद मौका मावना किया और फिर पब्लिक को सार लाके फिर घुमाया और फिर एसडीएम कार्यालय को घेराव भी किया और उनको ज्ञापन भी दिया और नगर पालिका भी घेराव किया उसने इतना भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार ये भ्रष्टाचार के बिल्कुल श्याम चौधरी खिलाफ है भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल खिलाफ है जीतेगा ये 100% जीतेगा प्रत्येक आदमी के दिल और दिमाग में यही है कि आपको युवा नेता को श्याम चौधरी को लाओ।